नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का दावा, विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद हिंदूवादी ताकतें आक्रामक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी सफाई, कहा पंजाब में चुनाव लड़ने वाले किसान संगठनों से हमारा कोई संबंध नहीं। बारह से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण हुआ शुरू, 23,000 से ज्यादा बच्चों को लगी कार्बेवैक्स की वैक्सीन। G21 गुट की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं का बड़ा बयान, 2024 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी। सेना ने 7 दिन के अंदर खोनमो में सरपंच की हत्या का लिया बदला, लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का स्वरूप, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ वार्ता के बाद होगा तय। यूपीपीएससी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी, 250 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए निकाला गया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में टैक्स फ्री नहीं होगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। गोरखपुर बस्ती मंडल में हर सीट पर भाजपा से सीधी लड़ी सपा, 2 जिलों में कायम किया दबदबा। रैपिड रेल में आपको होगा हवाई जहाज में बैठने जैसा एहसास, कोच में मिलेगा वाईफाई। संयुक्त राष्ट्र की कोर्ट ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने का दिया आदेश। भारत के आंतरिक मामले में पाकिस्तान ने फिर अड़ाई टांग, कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन वाले फैसले पर कही बात। चीन का नया दावा, पीएलए ने खाली कर दिया एलएसी का हॉट स्प्रिंग एरिया, लोगों को नहीं हो रहा यकीन। अमेरिका में अब चौथे डोज की तैयारी, वरिष्ठ नागरिकों के एक और बूस्टर के लिए आवेदन कर सकता है फाइजर। रूस ने मानवीय सहायता के लिए यूएन में पेश किया प्रस्ताव, यूक्रेन छोड़कर जा रहे लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग। पाकिस्तान के बचाया मैच पर पीसीबी पर बरसे शोएब अख्तर, कहा ऑस्ट्रेलिया को थकाना नहीं हराना है। सिंधु साइना की आसान जीत से शुरुआत, लक्ष्य सेन का शानदार फॉर्म जारी। न्यूजीलैंड को 3रा झटका, एमी सदरवेट सस्ते में लौटी आउट। हैदराबाद ने हार कर भी बनाई फाइनल में जगह, पहली बार खेलेगा खिताबी मुकाबला। हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंपेंगे भगवंत मान। शाहरुख के फैंस को लगा झटका, ओटीटी प्लेटफॉर्म या ऐप लॉन्च नहीं कर रहे किंग खान। टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे हीरोपंती 2। आईएमडीबी पर गिरी द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उठाए सवाल। कश्मीर फाइल्स पर हिना खान ने दिया बड़ा बयान, बोली थिएटर में जाकर फिल्म देखने का इरादा नहीं।
रणबीर और श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म के सेट पर हुई तोड़फोड़, रोकनी पड़ी शूटिंग। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।